व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? सो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर एक वो पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको ये अधिकार है कि उसको एक फेयर ट्रायल मिले। तो उस वीडियो में हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग गया था कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, बट अब इस वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे और शांति के केस से रिलेट करके समझेंगे कि फेयर ट्रायल क्या होता है। लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन दैट व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति'स केस वेरी डिफरेंटली। तो एक बार के लिए जो सिचुएशन हुई है, जो शांति का केस था, स्टोरी थी, उससे हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि जिस तरीके से शांति के केस को लिया गया, अगर उस तरीके से उसको ना ट्रीट करके किसी और तरीके से, डिफरेंट तरीके से अगर उसको ट्रीट किया जाता तो क्या होता। वट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति। हमने ये पढ़ा था कि जब जो एडवोकेट हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी, और जब चार्जशीट फाइल की थी तो उस चार्जशीट की जो कॉपी है और जो एविडेंसेस या जो विटनेसेस है उन सब की जो कॉपी है वो शांति को भी दी गई थी। क्या होता अगर ये कॉपी शांति को न दी गई होती तो? बट इफ ही हैल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन वेयर नीदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंट। क्या होता अगर जो कोर्ट के पूरा प्रोसीजर हुआ, जो सुनवाई हुई, वो किसी ऐसी जगह पे होती जहाँ पे शांति और उसका भाई सुशील पहुंच ही ना पाते, वो प्रेजेंट ही ना होते। मतलब कि उनकी एब्सेंस में अगर हियरिंग चल रही होती, कि मतलब कोर्ट में शांति और उसका भाई है ही नहीं और शांति के ऊपर केस चल रहा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिसेस और मिस्टर शिंदे और उनका जो लॉयर है वो सब है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता? बट इफ ही डिड नॉट गिव शांति लॉयर एडवोकेट रॉय इनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन सच एज मिसेस शिंदे एंड इंस्टेड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वॉज गिल्टी। क्या होता कि अगर जो जज है वो शांति के लॉयर मतलब कि एडवोकेट रॉय को इतना टाइम देते ही नहीं कि वो जो दूसरे विटनेसेस हैं, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, मिसेस शिंदे हो गई और मतलब जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, शांति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, अगर उनसे प्रॉपर सवाल पूछने के लिए लॉयर को, एडवोकेट रॉय को टाइम ना दिया जाता तो क्या होता? इफ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर ये सभी कुछ होता, जो भी बातें अभी हमने डिस्कस की कि अगर शांति को चार्जशीट की जो कॉपी है वो ना दी गई होती, अगर जो ट्रायल है वो किसी ऐसी जगह पे होता जहाँ पे शांति और सुशील प्रेजेंट ही ना हो पाते, या फिर अगर शांति के एडवोकेट रॉय को इतना टाइम ही ना दिया जाता कि वो जो प्रोसिक्यूशन वाली पार्टीज हैं, जो उनके विटनेसेस हैं, उनको सवाल जवाब कर सके, तो इस केस में क्या होता कि हम ये कहते कि शांति के साथ अनफेयर ट्रायल हुआ है, उसका जो सुनवाई है वो निष्पक्ष रूप से नहीं होती, राइट? मतलब कि वो अनफेयर ट्रायल माना जाता। दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। क्योंकि किसी भी ट्रायल को फेयर होने के लिए, ट्रायल मतलब सुनवाई, मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है जहाँ पे दोनों एडवोकेट्स अपनी दलीलें दे रही हैं, जहाँ पे ये जज बैठा है और वो सारे एविडेंसेस वगैरह को देख रहा है, तो ये पूरा जो प्रोसीजर है वो क्या है? वो ट्रायल है, राइट? तो किसी भी ट्रायल को हम फेयर तब कहेंगे जब कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। मतलब कि किसी भी ट्रायल के फेयर होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। तो आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ देता है, राइट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो हमें राइट टू लाइफ देता है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन की लाइफ या फिर लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एक तरीके से आज़ादी जो है, किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी आज़ादी तभी छीनी जा सकती है जब हम कोई रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें। मतलब कि हम किसी लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही, हम कानूनी तरीके से ही उस पर्सन की लाइफ को छीन सकते हैं या उसकी आज़ादी को छीन सकते हैं। अदरवाइज किसी भी पर्सन के पास ये हक नहीं है कि किसी दूसरे पर्सन की लाइफ या लिबर्टी को छीन सके। मतलब कि जैसे लीगल प्रोसीजर को पूरा फॉलो करते हुए जो जज है वो किसी भी पर्सन को जेल की सजा सुनाता है, जेल की सजा सुनाना मतलब वो एक तरीके से उनकी लिबर्टी को छीन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस पर्सन से जो लिबर्टी है वो छीनी गई, उसको जेल की सजा सुनाई गई। इसी तरीके से कभी कभी जो जजेस हैं वो डेथ सेंटेंस दे देते हैं, फांसी की सजा सुना देते हैं, तो उस केस में भी किसी पर्सन की लाइफ को छीना जा रहा है, बट पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए छीना जा रहा है, किसी रीजनेबल जो वजह है उससे छीना जा रहा है। वहीं ये काम कोई और करे, कोई और किसी को फांसी पर चढ़ा दे,
तो क्या होगा, वो गलत होगा, क्योंकि फिर उस पर्सन की राइट टू लाइफ का जो हनन हुआ है, मतलब कि जज अगर वो काम कर रहा है पूरा लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके वो काम किया जा रहा है, किसी की जो लाइफ है या फिर किसी की लिबर्टी है वो छीनी जा रही है, तो ठीक है। अगर उसके अलावा लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो कर ना करते हुए अगर किसी की लाइफ को छीना जाता है, लिबर्टी को छीना जाता है, तो उससे क्या होगा, आर्टिकल 21 का हनन होगा, और जो पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। मतलब कि किसी पर्सन ने, ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, राइट, ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली, मतलब कि उसकी लाइफ उससे छीन ली, तो अब ए पर्सन ने कोई लीगल प्रोसीजर वगैरह थोड़ी फॉलो किया, उसने तो ये कानून का उल्लंघन किया, तो अब ए को जो है वो सजा मिलेगी, राइट। बट वहीं ए अगर जो है वो जज होता और ये जो पूरा केस है वो चल रहा होता, कोर्ट में सुनवाई होती, और बी एक क्रिमिनल होता जिसके ऊपर ये केस चल रहा होता, और अल्टीमेटली ये निकल के आता कि हाँ बी जो है वो गुनहगार है, और फिर जज जो है वो ये सुनाता कि हाँ बी जो पर्सन है उसको फांसी की सजा होगी, तो इस केस में जज ने एक तरीके से बी की जान ली, उसको उसकी लाइफ छीन ही रहे हैं बट पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, तो ये ठीक है, ये रीजनेबल है, अदरवाइज ये चीज अलाउ नहीं है। फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। अब फेयर ट्रायल जो है वो ये इंश्योर करता है कि इस आर्टिकल 21 की जो है इज्जत रखी जाए, ये आर्टिकल 21 जो है वो फॉलो हो। कैसे जो है ये फेयर ट्रायल इंश्योर करता है, क्योंकि अगर फेयर किसी के साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, किसी के साथ गलत तरीके से उसको सजा सुना दी गई, मतलब कि जज ने जो पूरे लीगल प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो फॉलो नहीं किए और उसको फांसी की सजा सुना दी, तो क्या होगा, तो फिर उस पर्सन के आर्टिकल 21 मतलब कि उसके राइट टू लाइफ का हनन होगा, क्योंकि भले ही जज ने वो सजा सुनाई है बट लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, तो लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और फेयर ट्रायल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सारे लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो हों, सो इसीलिए ये इंश्योर करता है कि आर्टिकल 21 जो है वो भी बचा रहे, उसका उल्लंघन ना हो। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति'स केस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। तो अब हमने जो शांति का केस पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि क्या शांति के साथ जो है फेयर ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। फर्स्टली शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। तो हमें पता है कि शांति को चार्ज शीट की कॉपी दी गई थी और जो भी दूसरे एविडेंसेस वगैरह थे जो कि प्रोसिक्यूशन ने, प्रोसिक्यूशन मतलब जो लोगों ने एक तरीके से इल्जाम लगाया हुआ है शांति के ऊपर, उन लोगों ने जो भी एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे हुए थे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंस इकट्ठा किए थे, उन सब की कॉपी, चार्ज शीट की कॉपी, वो सब शांति को दिया गया। शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। अब शांति के ऊपर इल्जाम लगा था चोरी का, और चोरी को जो कानून है वो एक क्राइम मानता है, एक अपराध मानता है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। जो ट्रायल है, जो सुनवाई है, वो एक ओपन कोर्ट में हुई थी इन पब्लिक व्यू। ओपन कोर्ट का मतलब कि हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स, मतलब कि ऐसे लोग जो कि जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो लोग केस में इन्वॉल्व हैं, उनसे रिलेटेड लोग जो हैं वो आके सुनवाई को सुन सकें, जो जज कार्रवाई कर रहे हैं, जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसको आके सुन सकें, दैट इज ओपन कोर्ट। मतलब कि जो शांति का भाई है सुशील, वो भी कोर्ट में बैठ कर पूरी जो कार्रवाई है उसे सुन सकता था। ऐसा नहीं होगा कि जो शांति है, मिसेस शिंदे है, और लॉयर्स के अलावा कोई और कोर्ट में प्रेजेंट होगा ही नहीं, कोई और सुनवाई को सुन ही नहीं सकता, तो ये चीज नहीं है, राइट। ओपन कोर्ट का मतलब कि कोई भी जो पर्सन है वो इस हियरिंग को सुन सकता है। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। और जो ट्रायल है, जो पूरी सुनवाई हुई, वो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में हुई, मतलब कि जब ये पूरे कोर्ट की प्रोसीजर चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, तब शांति वहां पे प्रेजेंट थी। एक्यूज्ड कौन है, एक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, तो यहाँ पे कौन था एक्यूज, शांति थी। तो शांति जो है वो पूरे कोर्ट के सुनवाई के टाइम कोर्ट में प्रेजेंट थी, तो मतलब जो शांति का ट्रायल है वो उसकी प्रेजेंस में हुआ है। शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर। शांति को अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर भी प्रोवाइड किया गया, मतलब कि उसके केस को डिफेंड कौन कर रहा था, एक लॉयर कर रहा था, एक एडवोकेट जो है वो शांति के केस को डिफेंड कर रहा था, उसकी दलीलें रख रहा था कि वो बेगुनाह है। शांति's लॉयर एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। अब शांति का जो लॉयर है, जो एडवोकेट रॉय थी, उनको प्रॉपर ये मौका दिया गया कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, मतलब मिसेस शिंदे या दूसरे जो प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, उनसे क्रॉस एग्जामिन कर सके, सवाल जवाब कर सके। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांति's डिफेंस। और उसके बाद जो एडवोकेट रॉय हैं, उन्हें ये भी मौका दिया गया कि वो शांति के डिफेंस में, शांति के बचाव में विटनेसेस मतलब कि गवाह, सबूत जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि शांति के केस
बचाव में ही, डिफेंस में ही जो एडवोकेट रॉय हैं उन्होंने उस पुलिस वाले को जिसने वो वाली गैंग का खुलासा किया था जिसने एक्चुअल में चोरी की थी, तो उस पुलिस वाले को एडवोकेट रॉय ने एज विटनेस केस जो कोर्ट है उसमें खड़ा किया था। तो मतलब एडवोकेट रॉय को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो शांति के बचाव में विटनेसेस को खड़ा कर सके। ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, द जज अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो। अब वैसे तो शांति के ऊपर क्या इल्जाम लगा था कि उसने चोरी की है, और मतलब पुलिस ने केस क्या फाइल किया था कि हाँ शांति के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने चोरी की है। बट जब ये बात कोर्ट में आई तो जज ने उसे क्या एज्यूम किया कि वो इनोसेंट है। मतलब कि जज ये मान के नहीं चल रहा था कि उसने गुनाह किया ही किया है। जज ने क्या सोच के रखा था कि वो इनोसेंट है। अगर जो दूसरी पार्टी है, जो प्रोसिक्यूशन है, अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि हाँ उसने गुनाह किया है तो ही ये माना जाएगा कि उसने गुनाह किया है, वो गिल्टी है। अदरवाइज शी वुड बी अज्यूम्ड एज इनोसेंट, उसको ये माना जाएगा कि उसने कोई गलती नहीं की है। राइट? मतलब कि जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि चाहे 100 अपराधी जो हैं बच जाएं, बट किसी भी बेगुनाह को जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज को रखने के लिए क्या होता है, ताकि किसी भी इनोसेंट को सजा ना हो जाए, जब भी कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है तो जज ये मान के चलता है कि जिस पर्सन पे इल्जाम लगा है वो इनोसेंट है, और जिस पर्सन ने ये इल्जाम लगाया है उसकी ड्यूटी है कि वो ये प्रूव कर दे कि जिस पर्सन पे वो इल्जाम लगा रहा है वो एक्चुअल में गिल्टी है। राइट? मतलब अगर हम शांति और मिसेस शिंदे का केस देखें तो यहाँ पे ये माना गया कोर्ट में, जज ने कोर्ट की कार्रवाई के टाइम ये मान के रखा था कि वो इनोसेंट है, और मिस्टर और मिसेस शिंदे जो हैं अगर ये प्रूव कर देते, इतने एविडेंसेस जो हैं वो दिखा देते कि हाँ शांति ने ही गुनाह किया है, तो फिर जज कहते कि हाँ शांति ने गलती की है, वो गिल्टी है। बट क्योंकि शांति के केस में ऐसा नहीं हुआ, मिस्टर और मिसेस शिंदे जो हैं वो ये प्रूव करने में असमर्थ रहे, वो ये प्रूव नहीं कर पाए, इतने एविडेंसेस नहीं दे पाए कि शांति ने गुनाह किया है, इसीलिए फिर जो शांति है उसे छोड़ दिया गया। राइट? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोसिक्यूशन की होती है, ये प्रूव करना कि जिस पर्सन पे वो इल्जाम लगा रहे हैं वो सच में गुनहगार है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जिस पर्सन को पे इल्जाम लग रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा। राइट? इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जज जो भी डिसीजन ले रहा है वो एविडेंसेस के बेसिस पे ले, मतलब कि कोर्ट में जो भी सबूत, जो भी विटनेसेस जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जो भी सबूत हैं उनके बेसिस पे ही वो डिसीजन ले। अगर किसी चीज का कोई सबूत ही नहीं है तो बिना सबूतों के डिसीजन नहीं लिया जा सकता। द जज डिड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज द थीव जस्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर मिस मेड सर्वेंट। अब शांति के केस में हमने देखा कि जज ने पूरी जो कार्रवाई है उसको ध्यान से सुना, पूरा जो प्रोसीजर है वो चला, मतलब कि जज सीधे ही इस नतीजे पे नहीं पहुंच गया कि जो शांति है वो गुनेगार है क्योंकि वो एक नौकरानी है या वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है। सिर्फ इस वजह से जो जज है उसने ये नहीं मान लिया कि वो गुनेगार है। जो शांति है उसे पूरा मौका दिया गया कि जो शांति के लॉयर हैं एडवोकेट रॉय वो उसको डिफेंड कर पाए, विटनेसेस को प्रेजेंट कर पाए, एविडेंस दे पाए। तो इस तरीके से जज ने शांति को इनोसेंट अज्यूम किया, ना कि ये माना कि वो एक गुनेगार है पहले से ही। इंस्टेड द जज रिमेन इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज द थीफ ही सेट शांति फ्री। अब जज ने क्या किया, उसने पहले से ही शांति को गुनेगार नहीं माना, उसने एक तरीके से इम्पार्शियल होकर पूरे केस को सुना, उसने किसी भी पार्टी के पक्ष में होकर सुनवाई को नहीं सुना, उसने इम्पार्शियल होके कि मतलब कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, पूरे जो भी एविडेंसेस वगैरह हैं उनको इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष रूप से एनालाइज किया, पूरी कार्रवाई को सुना, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो एविडेंसेस शो किए गए हैं, जो सबूत शो किए गए हैं कोर्ट में, उनके बेसिस पे ये पता चलता है कि कुछ लड़कों ने, कुछ वो जो गैंग थी जिसमें कि मिसेस शिंदे का बेटा भी शामिल था, उन लोगों ने चोरी की है, ना कि शांति ने, और इन सबूतों के आधार पर शांति को जज ने फ्री कर दिया, मतलब कि बेगुनाह करार कर दिया, उसको छोड़ दिया। इन शांति केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। और शांति के केस में फाइनली जो शांति है उसके साथ न्याय हुआ क्योंकि उसको एक फेयर ट्रायल दिया गया था। अभी जितने भी हाईलाइटेड और चीजें हैं जो यहाँ पे सेंटेंसेस बोल्ड में हो रखे हैं, ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेयर ट्रायल के लिए। मतलब ये एक चार्जशीट फाइल होनी चाहिए और ओपन कोर्ट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड होना चाहिए, मतलब कि जो जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया है वो प्रेजेंट होना चाहिए
जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया है वो किसी लॉयर के द्वारा डिफेंड भी किया जाए, ठीक है, लॉयर के पास क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी हो, उसको इनोसेंट माना जाए, अगर प्रूव नहीं हो पा रहा है कि वो पर्सन गुनहगार है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, एविडेंसेस के बेसिस पर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, कोर्ट इम्पार्शल होके काम करेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सभी फेयर ट्रायल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा कि शांति के केस में ये सारी चीजें हुई तो हम कह सकते हैं कि शांति के साथ फेयर ट्रायल हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल ऑफ द पर्संस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो ये कहता है कि जितने भी पर्संस इन्वॉल्व थे, हमने पुलिस की बात की, पुलिस हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और डिफेंस लॉयर, तो इन सब की ये ड्यूटी है कि वो अपने रोल्स को प्रॉपर तरीके से निभाए, मतलब उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो काम है, वो उसको पूरे ईमानदारी से करें। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, get a fair trial when accused. अब proper manner का मतलब क्या है? सही तरीके का मतलब ये है कि जितने भी ये लोग केस में इन्वॉल्व थे, हमने जो मेन लोगों के रोल की बात की, ये सभी लोग जो हैं उन्हें ये इंश्योर करना है कि किसी भी सिटीजन के साथ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, किसी भी रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का है, उसके साथ फेयर ट्रायल हो, वो इन लोगों को इंश्योर करना है, मतलब के साथ कुछ गलत ना हो, अनफेयर ट्रायल ना हो। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटेड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लॉ है वो सभी को एक समान मानता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो अगर किसी पर्सन को फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता तो उससे क्या होता कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ का एक तरीके से उल्लंघन हो जाता, उसके अपोजिट बात चली जाती। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कानून के आगे सभी लोग एक समान हैं, तो जब किसी पर्सन के साथ जो है किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा तो उस पर्सन को और जिस पर्सन ने इल्जाम लगाया है, उन दोनों को ही समान रूप से देखा जाएगा और सबूतों के आधार पर बात होगी, ना कि किसी ने किसी पे भी इल्जाम लगा दिया। जो जज है या जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस हो गई, लॉयर्स हो गए, इनको अपना काम जो है वो निष्पक्ष तरीके से करना है और सब कुछ जो है वो फेयर होना चाहिए। नाउ ऑल ऑफ द प्रोसेसेस रिटन इन बोल्ड ऑन पेज 74 आर क्रूशियल टू अ फेयर ट्रायल। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जितने भी वो बोल्ड फ्रेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेयर ट्रायल के लिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ शांति केस। तो यहाँ पे उन्होंने नीचे वही कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं और आपको इनको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बताना है कि आपको इनसे अब क्या समझ आया। तो ओपन कोर्ट हमने डिस्कस कर लिया था। ओपन कोर्ट का मतलब ऐसा कोर्ट है जहाँ पे दूसरे लोगों को भी सुनवाई को अटेंड करने का मौका जो है वो मिलता है, मतलब कि जैसे शांति है, शांति के घर वाले आके कोर्ट में सुनवाई को सुन सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया है, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी कोर्ट में बैठ सकते हैं और पूरी सुनवाई को, कार्रवाई को देख सकते हैं। बेसिस ऑफ एविडेंस मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबूतों के आधार पर लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर इल्जाम लगाया है तो वो किसी भी सबूत के थ्रू प्रूव होना चाहिए, सबूतों के मदद से वो प्रूव होना चाहिए, बिना सबूतों के जो है वो इल्जाम प्रूव नहीं होगा और जो जज है वो डिसीजन नहीं लेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हो गए, मतलब कि जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एज विटनेसेस बनाया है, तो ऐसे लोगों को जो डिफेंड वाला लॉयर है, जो एडवोकेट रॉय हैं, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो विटनेस, जो प्रोसिक्यूशन वाले विटनेसेस हैं उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, सवाल जवाब पूछ सके। राइट, हमने देखा था किस तरीके से जो एडवोकेट रॉय हैं उन्होंने मिसेस शिंदे से सवाल पूछा कि क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला जो शांति है उन्होंने ही चोरी की है। तो इस तरीके से जो एडवोकेट रॉय हैं उन्हें पूरा मौका मिला कि वो मिसेस शिंदे से, जो विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन वाले, उनसे भी सवाल जवाब कर सकें। तो इसका मतलब यही है कि जो दूसरे एडवोकेट हैं, डिफेंड वाले एडवोकेट हैं, उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। डिस्कशन क्लास व्हाट माइट हैव हैपेंड इन शांति केस इफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स हैड नॉट बीन ऑब्जर्व। क्या होता अगर ये चीजें नहीं होती, इफ शी वर नॉट डिफेंडेड बाय अ लॉयर, अगर शांति को कोई लॉयर डिफेंड ही नहीं करता, तो फिर क्या होता कि जो सबूत, जो विटनेसेस एडवोकेट रॉय ने प्रेजेंट किए थे या शांति को बचाने के लिए जो भी काम हुआ वो नहीं होता, और फिर शांति जो है ये प्रूव ही नहीं हो पाता कि वो बेगुनाह है। राइट, तो उससे क्या होता कि शांति को इनोसेंट होने के बावजूद भी सजा मिल जाती। इफ द कोर्ट हैड नॉट अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, अगर कोर्ट ये अज्यूम नहीं करता कि वो इनोसेंट है, कि वो गिल्टी ही है, तब क्या होता, तब शांति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ये प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। देखो दो चीजें हैं,
एक हो गया डिफेंस, जहां पे हम शांति की बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही है क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगा है, वो अपने आप को बचा रही है। दूसरा है वो पर्सन जिसने शांति के ऊपर इल्जाम लगाया है, तो यहाँ पे हो गई मिसेस शिंदे, राइट। अब क्योंकि मिसेस शिंदे ने शांति के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो गुनेगार है, तो अब यहाँ पे मिसेस शिंदे मतलब कि इस वाली पार्टी की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये प्रूव करे कि हाँ शांति ने ही गलती की है, राइट। तो मतलब कि ये अब बर्डन किस पे है ये प्रूव करने का कि वो गिल्टी है, मिसेस शिंदे पे, मतलब जिसने इल्जाम लगाया है, राइट। अगर कोर्ट ये मानता कि शांति जो है वो इनोसेंट नहीं है, अगर वो उसे पहले से ही गिल्टी मान के रखता, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शांति के हाथों में आ जाती कि अब उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने गुनाह नहीं किया है। फिर ये शांति की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि वो ये सारे सबूत लाए, अब वो ये प्रूव करे कि वो बेगुनाह है, राइट, वो इनोसेंट है, राइट। पहले इसकी ड्यूटी थी, मतलब कि नॉर्मली इनकी ड्यूटी होती है जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ये प्रूव करें कि हाँ सामने वाला गिल्टी है, बट फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये प्रूव करना कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ। तो ये दोनों, ये डिफरेंस है। जब कोर्ट ये मानता है कि सामने वाला जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया गया है वो इनोसेंट है, तो फिर ड्यूटी इसके हाथ में होती है जो इल्जाम लगा रहा है। बट अगर कोर्ट ये नहीं मानेगा तो फिर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है उसके हाथों में आ जाएगी, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह है। बट नॉर्मली हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोर्ट ये मान के चलता है कि जो सामने वाला है वो इनोसेंट है। वो होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक कि उसे इनोसेंट ही माना जाता है, राइट। तो अगर कोर्ट ये अज्यूम नहीं करता कि वो इनोसेंट है, तो फिर शांति को प्रूव करना पड़ता, शांति के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है ये प्रूव करने के लिए कि वो बेगुनाह है। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 सिविक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर, टिल देन बाय बाय।